Assalamu alaikum to all. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I'm your today's host, Laveza Afzal. Today's live session is arranged by the team of Fox Youth VN. जैसा कि आप सब जानते हैं कि Fox Youth VN की टीम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कामों में इन्वॉल्व है. एंड सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर गोइंग NYPC, नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस एंड सोशल वेलफेयर इन राशन डिस्ट्रीब्यूशन. रिसेंटली वी स्टार्ट आवर अवेयरनेस कम्पेन डिस्कवरिंग न्यू इनसाइट्स. आज का जो टॉपिक हॉक्स ने अरेंज करवाया है वो लॉ के बारे में है. लॉ का हमारी जिंदगी पे क्या असर है और किस तरह से यूथ को लेके चलना चाहिए, लॉ पर अमल करना चाहिए. टूडेज आवर होस्ट इज मिस्टर वजाहत अली, हु इज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, हु रोट 8 बुक्स एंड चेयरमैन ऑफ CEO ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन LLB. नाउ आई वुड लाइक टू इन्वाइट सर वजाहत अली जो आके इस कॉन्फ्रेंस को परस्यू करेंगे. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका वालेकुम बहुत ज़्यादा शुक्रिया. थैंक यू सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत थैंक यू कि आपने हॉक्स की टाइम दिया और अपना प्रीशियस टाइम निकाला हॉक्स के लिए. सर आप ऑडियंस को मैंने आपका इंट्रो दिया है, बट आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना ऑडियंस को दे रहे हैं. जी शुक्रिया. सबसे पहले तो फॉक्स विद विजन का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए ये बात कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे यंगस्टर के लिए, यूथ के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो मेरा बेसिकली इतना कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, ये है कि LLB मैंने किया हुआ है, LLM किया हुआ है, और लॉ के ऊपर मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं. आई थिंक 12 बुक्स जो है मैंने लॉ के ऊपर लिखी हुई हैं, और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसको रन कर रहा हूँ. उसमें स्पेशली जो यूथ से रिलेटेड जो मुस्लिम क्राइम है, लाइक जुबिनाइल वगैरह हैं, जो जुबिनाइल लॉ के टर्म में ऐसे बच्चों को या ऐसे वो बच्चे जिनकी उम्र जो है 18 साल या उससे कम है, तो वो बच्चे उनको स्पेशल ट्रीट किया जाता है. ठीक है, लास्ट रेटर पर वो जुर्म सर्विस करते हैं, तो उनको प्रिक्योर, उनको एक अच्छा फ्यूचर, उनको प्रॉपर देखभाल, लास्ट रेटर प्रॉपर हम उसको फैसिलिटेट करते हैं. तो ये एक ये भी मैं चीज़ जो है बन पा. थैंक यू सो मच सर. सर आपकी NGO चल रही है, वो कैसे काम करती है, ह्यूमन राइट्स के बारे में इसका थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं कि वो किस तरह से हमारी ह्यूमन राइट्स के बारे को अवेयरनेस दे रही है. मैडम इसमें बात ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो यूथ है, ठीक है, यूथ पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूथ का रोल है वो इससे हम डिनाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि यूथ बेसिकली है क्या. ठीक है, ये 16 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र के दरमियान जो बच्चे आते हैं या जो यंगस्टर आते हैं उनको यूथ कहा जाता है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने तकदीरें बदलनी होती हैं, जिन्होंने मुल्को कौम की जो भाग दौड़ है उन वो संभालनी होती है. तो चूंकि मैं लॉ की फील्ड से हूँ, तो जिस तरह आप देखते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनकी एज बहुत कम है वो कोई ना कोई जुर्म सरजद करते हैं, उनको जो है थानों के अंदर, अदालतों के अंदर पेश किया जाता है. इस तरह के बच्चे, क्योंकि वो हमारे बच्चे जो हैं वो कौम का फ्यूचर है, तो उनका फ्यूचर स्पॉइल जो है ना होने का बहुत ज़्यादा जो है ना खतरा होता है. तो उस चीज़ को प्रिक्योर करने के लिए मैं हूँ, मेरे साथ मेरी प्रॉपर लीगल टीम है. हम जब भी कोर्ट्स के अंदर या सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि इस तरह का कोई वकूवा सरजद हो गया है, तो हम फौरन से पहले उसके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं और उसको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लीगल एड प्रोवाइड करते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है ये जो एक प्रोसेस है लॉ का, जो प्रोसेस है कि सबसे पहले वो थाने में जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो उसका प्रॉपर केस चलता है, और उसके बाद उसको सुलह या जजा होती है. ये जो प्रोसेस है हम उसको कोशिश करते हैं कि कम से कम अरसे में उसको जो है ना बाहर निकाला जाए, या अगर वो उसको खुदा ना खासा सजा हो गई है तो उसकी अपील वगैरह जो है वो हम करें, और उसको अच्छे तरीके से जो है हम उसको इस प्रोसेस को बाहर लेकर आते हैं.
ताकि उसका फ्यूचर जो है ना खोलना है। इसके लिए मेरे पास प्रॉपर जो है ना बहुत से लोग हैं जो वॉलंटरी मेरे पास मेरे साथ काम कर रहे हैं, और जो दूसरा मैंने बताया मेरे साथ एक पूरी प्रॉपर लीगल टीम है, हमारी प्रॉपर लॉ फर्म है। तो ये इस तरीके से हम जो है ना सारे कामों को जो है मैनेज कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। इस तरह की एनजीओ वाकई बननी चाहिए। और सर, आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है कि लॉ का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है, तो आप इसके बारे में बताएं कि लॉ ऑडियंस को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दें। मैडम, जिस तरह इंसान के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका बहुत ज्यादा रोल है, इसी तरह ऐसे ही इंसानों की जिंदगी के लिए, लोगों के लिए जो ये जो लॉ है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जिंदगी के हर स्टेप पे आपको जो है ना लॉ अप्लाई होता हुआ मिलता है। जब आप घर से निकलते हैं, आप शहरों पे सड़कों पे जब आप निकलते हैं, आपको डेफिनेटली जो है ना डिफरेंट जो है ना वो लॉज होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते होते हैं। वहाँ पे सिग्नल होते हैं, ये भी आप एक लॉ का हिस्सा है कि जो जो बंदा इसकी वायलेशन करेगा उसको जो है ना वो फाइन किया जाएगा, या अगर कोई गाड़ी वगैरह है उसकी वो विदाउट इसके वो कागजात लेके फिर रहा है, तो ये बेसिकली लॉज है। आप जब आप घर से निकलते हैं तब से जो है आपका लॉ जो है ना आपके ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो लॉज हैं, लॉज होते क्या हैं। लॉज ये कुछ ऐसी कमांड्स हैं जो कि सॉवरन बॉडी वो बनाती है और लोगों को इम्पोज करती है। उसके पीछे थीम क्या है, उसके पीछे थीम ये है कि लोगों की वेलफेयर, लोगों की भलाई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉ है आप जिंदगी के हर शोबे में देख लें, आपको जो है ना लॉ अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरह मैं आपका जो निसाब है, ठीक है, 8वीं 9वीं 10वीं के बाद आप देखते हैं 9वीं क्लास में वो कुछ इख्तियारी सब्जेक्ट होते हैं, उसके अंदर आपने एक सब्जेक्ट देखा होगा सिविक्स, ठीक है, जिसको उर्दू में कहते हैं शहरियत। अब बेसिकली वो है क्या, उसके अंदर इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है ना लॉ को इंट्रोड्यूस करा हुआ है कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आपका जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा एक तो अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और दूसरा ये कि ये आपकी 5th क्लास से जो है ना इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। आपको जो 5th क्लास में जब बच्चा जाए उसको पता हो कि यार ये लॉ है, ये आईने पाकिस्तान के अंदर आपके राइट्स दिए हुए हैं, जिसको गवर्नमेंट गवर्नमेंट उसकी जो है ना गार्डियन है, तो उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। और ये जब आप 5th क्लास के अंदर ये चीजें इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपकी जो यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छा जो है ना शहरी बन सकेगी, ठीक है। क्योंकि जब जो मुआशरा लॉ को फॉलो करता है, लॉ अबाइड सिटीजन होते हैं, वो क्या वो मुआशरा बड़ा बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, वो बहुत ज्यादा तरक्की करता है। तो लॉ जो है ना आपकी जिंदगी में हर शोबे में हर पहलू में अप्लाई होता है। जी मैम, सर, ऐसे क्या कानून बनाने चाहिए कि हर इंसान खुद ही लॉ पे अप्लाई करे अपने आप को, ताकि वो कोई भी कानून तोड़े ना? ऐसा क्या करना चाहिए कि इंसान छोटे होते से ही उसकी इस तरह करेक्टर बिल्डिंग स्टार्ट कर दी जाए कि वो लॉ को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना ले? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना नेशन लोग वेरी करते हैं, ठीक है। लॉ बजाते खुद बहुत अच्छी कमांड्स हैं, उसका उसके पीछे जो थीम है, थीम ये है कि हमारी वेलफेयर है, हमें मतलब चीजों से बचाना है। लाइक अगर आपको कोई बंदा, कोई बॉय है वो बाइक चला रहा है और वो विदाउट जो है वो हेलमेट यूज कर रहा है, अगर कोई वार्डन उसको रोक के उसे कहता है कि आपका चालान होगा, आपने ये नहीं पहना हुआ, अब इसके पीछे थीम क्या है? वो इसलिए कह रहा है कि खुदा ना खास्ता ये बच्चा अगर गिर जाता है तो इसको कोई हेड इंजरी ना आए, तो इसमें किस चीज किन लोगों का फायदा? डेफिनेटली हमारा ही फायदा है ना। तो अब आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि लॉ को जो है ना कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। लॉ को इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान काम है, बहुत ज्यादा आसान काम है। सबसे पहले तो जो है ना आपने क्या करना है, प्रॉपर अवेयरनेस देनी है लोगों को कि जनाब ये लॉज हैं, आपने इन चीजों को फॉलो करना है, और अगर आप इन लॉज की जो वायलेशन करोगे इसके पीछे जो है ना आपको
ये फाइन होगा या ये जो है ना आपको सजा हो सकती है। अब आप काइट फ्लाइंग जो है ना देख लें कि लोग जो है ना वो काइट्स वगैरह जो है ना उड़ा रहे होते हैं, और बहुत से आपने भी देखा होगा, पूरी दुनिया देखती है कि डोर लगने से लोगों के जो है ना बहुत सी कीमती जाने जो है ना वो जाया हो गई हैं। तो अब इसके ऊपर स्ट्रिक्टली अमल कैसे होगा? स्ट्रिक्टली अमल इसके ऊपर ऐसे होगा कि इसके ऊपर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सजा क्या दी हुई है, अगर कोई बंदा जो है ना पतंग उड़ाता हुआ पकड़ा जाएगा उसके अंदर उसने लिखा हुआ जनाब इसकी 3 साल सजा है। अगर इसी की सजा जो है बढ़ा दी जाए, ठीक है, और जो भारी जुर्माने हैं वो साथ लगा दिए जाएं, और नॉन बेलेबल तो है लेकिन जब आप इसकी पनिशमेंट जो है ना मजीद बढ़ा देंगे, साथ फाइन बढ़ा देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है ना इस तरह की कोई गलती करेगा। तो लॉ इंप्लीमेंट कब होता है, ये डिफरेंट जो माशरे हैं वेरी करते हैं कि कहाँ पे लॉ कैसे अप्लाई होता है। कुछ माशरे ऐसे होते हैं कि वो उनके रस्म और रिवाज में ये चीजें हैं कि मिसाल के तौर पे उनके बड़े ने कोई इस तरह की गलती नहीं की तो वो उनको देखते वो नहीं करते, लेकिन कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं उनको जो है ना समझाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यार ये चीजें हैं आप इनको फॉलो करना होता है। तो किसी भी मुआशरे में खास तौर पे पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो है ना बहुत ज्यादा अवेयरनेस आपने देनी होती है, बहुत ही ज्यादा जो है ना आपने अवेयरनेस देनी है। फिर उसके बाद सैंक्शंस, सैंक्शंस कहते हैं कि उसके पीछे आपने कुछ सजाएं रखी हों, उसके पीछे आपने भारी जुर्माने रखे हों। अब आप तो देख लें आईने पाकिस्तान है, आईने पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है, उसके अंदर जो है ना पूरे मुल्क का जो है ना एक नज्मो जब्त रूल्स ड्यूटीज व्हाटएवर पूरा पाकिस्तान उसी एक कह लें कि पूरे एक फ्रेमवर्क के तहत चल रहा होता है। अब उसका जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 में उन लोगों ने जो ये फ्रेम वर्कर थे ये आईने पाकिस्तान बनाने वाले जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया, उन लोगों ने एक बड़ी एक उसमें सेक्शन आर्टिकल जो 6 है उसके अंदर उन्होंने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि जनाब इसको कोई वायलेट करेगा, इसको कोई इसमें कोई तरमीम करने की कोशिश करेगा या इसको कोई मतलब कोई भी इसमें रद्दबदल करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो है ना बड़ी सख्त पेनल्टी है। अब सख्त पेनल्टी इसलिए उन्होंने कही कि कोई बंदा या कोई शख्स या कोई इदारा ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी ना कर सके, इसमें जो आर्टिकल्स हैं उनकी वायलेशन ना कर सके। तो इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, तो इसलिए इसके पीछे भारी जो है ना सजाएं हों। मिसाल के तौर पे आप कह दें कि जनाब ये आइंदा से आपने अगर ये एक्ट किया या इस रूल की वायलेशन की तो जनाब आपको 10 लाख रुपए जुर्माना जो है ना देना पड़ेगा, या आप जो है ना इसकी डेथ पेनल्टी है, या जो है ना इसकी जो है आपको 14 साल या 20 साल जो है पनिशमेंट है। तो इस तरह की जब आप सजाएं और जुर्माने आयद करेंगे तो खुद बखुद लोग सीधे हो जाएंगे, ना खुद बखुद इंप्लीमेंट हो जाएगा। आई थिंक ये काम अगर स्कूल लाइफ से या घर से स्टार्ट हो जाए तो इंसान ज़्यादा अच्छे से बच्चे के मेंटेलिटी में सेट हो जाता है कि हमने ये काम नहीं करना। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जब स्कूल लेट आता है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाता, लेट कमर्स में। अगले दिन वो जल्दी आने की कोशिश करता है क्योंकि मैंने लेट नहीं उठना, मुझे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, अगर इम्प्लीमेंट करना, लॉ इम्प्लीमेंट करना ईजी है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैरियर बिल्डिंग का है। इन लॉ में यूथ को क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं लॉ में यूथ के लिए? जी मैडम, मैडम इसमें ये है कि ये जो लॉ है ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोफेशन है। कैसे? इसके अंदर आपको सबसे पहले जो एक चीज है कि इसके अंदर आपको तमाम लॉ से आपकी जो राइट्स हैं जो आपकी ड्यूटीज हैं आप उससे जो अवेयर हो जाते हो, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट और ये इस तरह आपने क्या करना है और क्या नहीं करना जिंदगी में, ये एक तो सबसे पहले तो ये चीज आती है। बाकी जो लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत वसी अपॉर्चुनिटी है। लाइक पाकिस्तान में जो लॉ है उसकी बहुत ज्यादा आप अगर बात कर लें एज अ प्रोफेशन बात कर लें तो ये हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। आपने कभी सुना है कि किसी बंदे की जो है ना 5 करोड़ रुपया जो है वो या 10 करोड़ रुपया उसकी सैलरी है या 1 महीने में वो कमा लेता है? ये लॉ के अंदर हमारे इस तरह के लॉयर्स हैं जो कि इतने पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये एक केस की मैंने आपको बताई, तो इसलिए मैंने कहा कि ये पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है।
ये तो मैंने आपको एक पैसों से रिलेटेड चीज बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जनाब ये अब आप जो प्रैक्टिस लॉयर आप करते हैं, प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस जब आप लोग लॉ को अडोप्ट करते हो, इसमें अब लॉ से रिलेटेड डिफरेंट जो है ना कैटेगरीज बन गई हैं। कोई क्रिमिनल, जो क्रिमिनल प्रैक्टिस है वो करना चाहता है वो कर सकता है, जो सिविल प्रैक्टिस करना चाहता है वो प्रैक्टिस सिविल प्रैक्टिस कर सकता है, जिसने फैमिली प्रैक्टिस करनी है वो फैमिली प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये चीजें हैं। और आपको पता है जो फीमेल लॉयर्स हैं इसमें पाकिस्तान में बड़े बहुत ज्यादा उनकी जरूरत है। मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स लॉयर्स को अपने जो मसले मसाइल हैं वो बताना पसंद करती हैं। अब आ जाते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से ये है कि जो बंदा लॉ को प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहा वो क्या कर सकता है, वो सिविल जज के एग्जाम दे सकता है, एडीपीपी के एग्जाम दे सकता है। वो मजीद जो लॉ में अभी जो लीगल इंस्पेक्टर की सीटें आई हुई हैं ठीक है वो कर सकता है। इसके अलावा आर्मी के अंदर जो है ना लॉ से रिलेटेड जो है ना लॉ ऑफिसर चाहिए होता है, और एडवोकेट जज चाहिए होता है, और जो डिफरेंट इदारे हैं उनको अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होता है, जिसको आप लीगल एडवाइजर कहते हैं, लीगल कंसल्टेंट्स कहते हैं। तो ये वो जॉब्स हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है लॉ के अंदर जिसने जो है ना एलएलबी किया हो। तो मेरे नजदीक तो ये दुनिया का ना बेस्ट प्रोफेशन है। सर, यंग लॉयर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान में या बाहर जाके, वो किस तरह, कौन कौन सी लॉ के बाद, एलएलबी के बाद वो फील्ड कैरी कर सकते हैं आगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, फॉर एग्जांपल एलएलबी के बाद एलएलएम। जी मैंने यही आपको बताया कि अगर जिस बंदे ने, एक तो ये है कि जो लॉ प्रैक्टिस करना चाहता है वो लॉ प्रैक्टिस कर ले, उसके लिए वो अगर सिविल में काम करना चाहता है सिविल प्रैक्टिस कर ले, क्रिमिनल प्रैक्टिस कर ले, फैमिली कर ले। अगर वो फर्दर स्टडी करना चाहता है तो वो उसके लिए ये है कि डिफरेंट डिप्लोमाज हैं, लाइक क्रिमिनोलॉजी में डिप्लोमे हैं, लाइक और डिफरेंट जो है ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप में डिफरेंट एलएलएम के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। तो एक तो वो एलएलएम कर सकता है, दूसरा वो डिफरेंट जो है डिप्लोमा कर सकता है, दूसरा तीसरा ये है कि वो बार इतला कर सकता है ठीक है। तो ये चीजें हैं। और बाहर दुबई, लाइक ये दुबई वगैरह जो कंट्रीज है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पाकिस्तानी लॉयर्स हैं इनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। वहां पे वो डिफरेंट जो है ना लॉ फर्म जो है ना उनमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ जो है। सर, जो लोग मीडिया का मिस यूज करते हैं, सॉरी, तो उसको किस तरह से किया जाए कि वो बच्चे, जो यंग यूथ है, ये यंग जनरेशन मीडिया का मिस यूज कर रही है, या उसको किस तरह से रोका जा सकता है? क्राइम्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है हमारे ये मीडिया। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये आजकल का बर्निंग इशू है। लाइक कैसे आप देखें, क्राइम्स जो होता है ना, क्राइम सिर्फ तरीकों से होता है। लाइक सोशल मीडिया जिसमें व्हाट्सएप है, एफबी है, इंस्टाग्राम है, और इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें मोस्टली इन इन मोड के जरिए जो क्राइम होता है इन्हें कहा जाता है साइबर क्राइम्स ठीक है। इसके ऊपर स्पेशल जो है ना पाकिस्तान के अंदर एक लॉ बना था, कहते हैं द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। मिसाल के तौर पर आप एफबी पे आपकी कोई जो तस्वीर है या जो डीपी है वो बंदा वहां से तस्वीर उठाता है और एक अपनी बना लेता है, अपनी एक आईडी बना लेता है, उसके ऊपर लगा देता है, और वहां पे वो गलत किस्म की पोस्ट वगैरह करता है। तो तस्वीर तो वो आपकी है ना, आप वहां पे क्या हो रही है, आप वहां पे डी फेम हो रहे हैं ठीक है। इसी तरह कुछ लड़कियां, कुछ जो है ना लड़के वगैरह या इस तरह के, वो उसका मिस यूज करते हैं। मिस यूज ऐसे करते हैं कि वहां पे वो किसी को कोई न्यूड जो है वो फोटो या कोई इस तरह की वीडियो जो है ना वो सेंड कर देते हैं। तो ये बेसिकली ये क्राइम है, आप ये चीजें नहीं सेंड कर सकते। तो बेसिकली हम अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां जो है ना इस तरह के मामलात में किसी के कहने के ऊपर या किसी के बातों में आके वो अपनी तस्वीरें शेयर कर देती हैं, और कल को वही लोग जो होते हैं उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं उनसे जो है ना। तो ये वो चीजें हैं, सोशल मीडिया का आपने बेस्ट यूज करना है, आपने मिस यूज नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि जब आप किसी को धमकी लगाते हैं या अपनी न्यूड जो फोटो है या जो आपकी कोई वीडियो वगैरह है जो किसी के कहने के ऊपर आप इस तरह कर देते हो,
तो ये क्राइम है और इसकी बेसिकली बहुत बड़ी सजाएं हैं, इसकी बहुत बड़ी सजाएं हैं। इसमें 50-50 लाख रुपया जो है वो जुर्माना है, और जो 15-15 साल और 25-25 साल जो है ना इसकी सजाएं हैं, और ये नॉन बेलेबल बेलेबल जो ऑफेंस है। ठीक है, तो बेसिकली लड़कियां करती क्या है, सॉरी, लड़कियां बेसिकली करती क्या है, उनसे अगर इस तरह का को कोई काम हो जाता है या वो इस तरह की वो तस्वीरें या वीडियोस वगैरह किसी को दे देती हैं किसी के कहने के ऊपर, तो वो आगे उनको पता नहीं चल रहा होता तो उन्होंने आगे करना क्या है। तो उनके लिए बेसिकली उन्हें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपने इन चीजों का यूज नहीं करना, और खुदा ना खास्ता अगर किसी से ये मिस यूज हो गया तो इस चीज को रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को रोकने के लिए वो ये कर सकते हैं कि सिंपल वो एक FIR, एक जो दरखास्त है, जो कंप्लेंट है, वो लिखें कि जनाब ये बात है, ऐसी बात है, ये बंदा है ये मुझे तंग कर रहा है, या ये बंदा मेरी DP जो है तो वहां से इतने स्नैप लिए और वो यूज कर रहा है, या ये बंदा इस तरह करके मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या इस बंदे ने मुझे जो है धमकियां लगाई हैं, इस तरह करके वो अपनी एक दरखास्त लिखें। और FIA, ये जितने भी साइबर क्राइम, जो साइबर क्राइम्स हैं लाइक जो थ्रू सोशल मीडिया पे होती हैं, इनको साइबर क्राइम कहा जाता है, और इनको डेथ जो है ना FIA डील कर रहा होता है, FIA। ठीक है, तो इस तरीके से वो एप्लीकेशन दें और ये इन लोगों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच सर। एक कमेंट आया है, आफ्टर BBA LLB में कोई कंसेशन है? कंसेशन किस मामले में, इन व्हाट सेंस? आई थॉट इन फी में मुझे आपने, कंसेशन होते अच्छा सर। देयर इज अ फी, कमेंट जी। अच्छा वो उसमें ये आके पाकिस्तान में सॉरी, इसमें ये आके पाकिस्तान में डिफरेंट जो लॉ कॉलेजेस हैं वो अपना जो है ना अपने अपने प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं। तो बात ये है कि सबसे पहले तो बात ये है कि ये जिंदगी में एक बात याद रखें कि जितना बड़ा इदारा होगा उतनी आपकी पर्सनैलिटी जो है ना ग्रूम करेगी। ठीक है, अगर आप किसी अच्छे इदारे में जाते हैं तो डेफिनेटली वहां आपकी फीस भी ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा सा, सिलेबस वही है, सिलेबस वही है, सबने वही सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन फर्क कहाँ पे पड़ता है, फर्क वहां पे पड़ता है आपकी फैकल्टी कैसी है, आपको वहां पे एनवायरमेंट कैसा दिया जाता है, इन चीजों से फर्क पड़ता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे एक तो आपको मेरिट पे लिया जाएगा। ठीक है, तो मेरिट पे जब आप आते हो तो क्या होता है वहां पे, एक तो उसकी फी कम है, वो एक गवर्नमेंट का जा रहा है, उसमें बड़ी नॉमिनल फी है, तो हमें वहां पे कंसेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बाकी और इदारे हैं जो उनकी फीस बहुत ज्यादा, लेकिन वो भी कंसेशन कर लेते होते सर देयर इज हैं। अनदर कमेंट के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को FSC के बाद जाना चाहिए लॉ के लिए, या बच्चों को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को चूज करना चाहिए? सॉरी, इसमें बात ये है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो इदारे हैं वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से काम करना चाहिए। यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कामयाब हो गया है। डेफिनेटली उनके जो बच्चे होते हैं उनकी पोजीशंस आ रही होती हैं, वो आगे इनको कमांड कर रहे होते हैं, वो लीड कर रहे होते हैं। तो अब कुछ इदारे हैं पाकिस्तान में जो कि अभी भी जिन लोगों ने अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो बरकरार रखा हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं आप गवर्नमेंट के इदारों को ज्यादा प्रेफर करें। ठीक है, और स्टडी आपने खुद करनी होती है, लेकिन आपको तो कोई ना कोई बंदा आगे गाइड करने वाला भी तो हो ना, तो ये चीजें मैं तो ये कहूंगा कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है ना उसको ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, और हमें जो हमारे इदारे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि यार ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। सर अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक में ही सोच लिया कि मैंने आगे लॉ करना है, लेकिन वो आगे वो FA को प्रेफर करे या FSC करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखें, अगर वो बंदा LLB करना चाह रहा है, ठीक है, और वो FA करे या FSC करे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने FSC की हुई है। FSC के अंदर आप पढ़ते हो फिजिक्स, पढ़ते हो केमिस्ट्री, पढ़ते हो मैथ, पढ़ते हो, ठीक है, या कुछ लोग जो है ना वो साथ वो कंप्यूटर भी रख लेते हैं। अल्टीमेटली इस चीज का FSA कंपेरेटिवली ज्यादा फायदा है। वो कैसे, लाइक जब आपने LLB कंप्लीट कर लेनी है और आप प्रैक्टिस में चले जाते हो,
जिन लोगों ने बायो पढ़ी होगी वहां पे मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का एक तो जो है ना एलएलबी के अंदर भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उनको डेफिनेटली उन्होंने जो है ना बायोलॉजी पढ़ी होगी, उनको इस चीज का फायदा है। और कल को जब वो क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं वहां पे कोई मर्डर के मामला आ जाते हैं, कोई इंजरीज आ जाती हैं, तो जितने अच्छे तरीके से वो बंदा टैकल कर सकता है जिसने एफएससी की थी और एफएससी में उसने जो है ना बायो रखी हुई थी, तो मेरा नहीं ख्याल के एक जो एफएससी जिसने या पे किया हुआ वो कंपेरेटिवली उससे बेहतर कर सके। इसी तरीके से ये चीजें मैं आपको अगर ओपिनियन दूं तो वो जो है ना एफएससी इसका बड़ा फायदा होगा कल को प्रैक्टिकल लाइफ में। लॉ वो ही सिर्फ पाकिस्तान में वो वाहिद प्रोफेशन है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आपको डॉक्टर के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, आपको जो एक इंजीनियर है उसके ऊपर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना पड़ सकती है, इवन जिंदगी के जितने भी प्रोफेशन है उस तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ता है, तो आपका नॉलेज अगर उनसे ज्यादा होगा तो तब भी आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हो ना, तब भी आप उनसे जो आपके जो केस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज है आप उगलवा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं उगलवा सकते। मैंने खुद एफएससी की थी। सर, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं अपनी एक डिग्री के साथ साथ लॉ को कैरी कर लेते हैं, तो ये करना ठीक है? प्राइवेटली कर लेते हैं कि हम मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट कर रहे हैं बीएस, और उसके साथ साथ अपना लॉ कर लेते हैं, इस तरह लेके जाना इसको ठीक है, या सिर्फ आपको एक ही फील्ड में फोकस करना चाहिए? इंसान को हर फन मौला नहीं होना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप लॉ कर रहे हैं और वाकई ही आपने इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है तो फिर आप जो है ना सिर्फ लॉ करें और उसको ऐसे अच्छे तरीके से करें कि जो है ना वो आपको जब आप प्रैक्टिस में जाएं तो पता चले कि यार वाकई कोई बंदा जो है ना लॉ पढ़ के आया, ठीक है। अगर किसी ने जो है ना वो शौकिया तौर पर डिग्री लेनी है तो वो फिर क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करनी वो फिर इस तरह कर ले। अगर आपने एज अ प्रोफेशन से ज्वाइन करना है तो फिर मैं कहता हूँ कि सिर्फ वन टाइम वन। थैंक यू सो मच सर। सर, आप यंग यूथ का क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से? मैं बस उनको यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छा शहरी होने का सबूत दें, जो पाकिस्तान में जो लॉज हैं, जो आपकी आपके राइट्स हैं या जो आपकी ड्यूटीज हैं आप काइंडली उसको फॉलो करें, ठीक है। और इसके अलावा जिंदगी में आपने कामयाब होना है और कामयाबी के सिर्फ तीन असूल हैं जिन असूलों को मैंने जिंदगी में अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ, वो असूल मैं आपके इस जो सेशन है इसके थ्रू मैं कन्वे कर देता हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले आपने रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेगुलरिटी ये है कि आपने किसी काम में अगर आप पड़ गए हैं तो आपने उसको रेगुलर करना है, ये नहीं करना कि आप हफ्ते में 4 दिन काम कर लें और 4 दिन पढ़ लें और 3 दिन आप ना पढ़ें। अब पंक्चुअलिटी ये है कि आपने टाइम की पाबंदी करनी है, टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना। अगर आप टाइम टेबल ना दो या आप कोई ऐसा आपने अपने लाइफ में गोल सेट कर लिया कि यार ये मैंने करना ही करना है तो आपने क्या करना है, पंक्चुअलिटी। एक आपने जब आपने टाइम टेबल सेट करना है तो आपने अगर 8 बजे का आपने टाइम रखा है 8 से लेकर जो है ना 12 बजे तक पढ़ना तो आपने उस टाइम के मुताबिक पढ़ना है, ये नहीं करना चलो आज मैं 8 बजे पढ़ लेता हूँ कल मैं 10 बजे पढ़ लेता हूँ। ये चीज रेगुलरिटी मैंने बता दी आपको, पंक्चुअलिटी बता दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचाने, आप ये एनालिसिस करें कि आपके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आती हैं और इसका डायरेक्टली किसको फायदा होता है। जब आप इन तीन चीजों को फॉलो करोगे यू बिलीव मी आप जो है ना जिंदगी में जो भी गोल सेट करोगे आप उसको, ये मेरा पैगाम भी है और ये कामयाबी का फार्मूला है मैं सेशन के तौर पर लोगों को। यूथ को वाकई आपके इस मैसेज से फायदा उठाना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू ऑडियंस का जिन्होंने कमेंट्स किए। बस वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन। थैंक्स अगेन सर। थैंक यू।